सभी का हस्ताक्षर करा लिया गया है। संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट देंगे। संजय, क्या कुछ अपडेट है? सभी विधायक जो है 9:30 बजे के करीब एक साथ जुटेंगे और उसके बाद रवाना होंगे। अभी फिलहाल क्या अपडेट है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस को ही माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक वो इंटैक्ट हैं, वैसे में जो दिलचस्पी है फ्लोर टेस्ट को लेकर वो बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात की कल तेजस्वी यादव के आवाज पर एयरपोर्ट से वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद वो सदाकत आश्रम चले गए थे। कांग्रेस विधायकों से मेरी बातचीत हुई है। अबिदुर रहमान थोड़े अस्वस्थ है, वो देर शाम जो है वो लौटे थे और रात में वो भी सदाकत आश्रम पहुंचे। उसके बाद एक मीटिंग सदाकत आश्रम में हुई देर रात, उसके बाद सभी के हस्ताक्षर भी लिए गए और उसके बाद वहां से कई विधायक अपने सरकारी आवास जो उनको आवंटित है वहां पर चले गए। आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे सभी विधायक जो पूर्व CLP है अजीत शर्मा, जो विधायकों ने जानकारी दी है, अजीत शर्मा के आवास पर एक साथ इकट्ठा होंगे और वहां से फिर विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इंटैक्ट है और खासकर अखिलेश सिंह लगातार कांग्रेस विधायकों के टच में बने हुए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी अजीत शर्मा के आवास पर पहुंचेंगे और वहां से फिर विधायक विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल। लेकिन जिस संजय जिस खेल की बात SV यादव कर रहे थे, वो खेल लग रहा है कि आधा अधूरा ही नजर आ रहा है।